गांधी आश्रम में बच्चों के लिए लखन सर के द्वारा एक कार्यशाला संचालित की गई है, तो हम सर से ये जानेंगे कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है और बच्चों को क्या क्या यहाँ पर सिखाया जा रहा है, किन बच्चों को इनका लाभ मिलेगा। तो इन्हीं सब सवालों के साथ हमारे साथ यहाँ के बच्चे भी मौजूद हैं जो कार्यशाला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सर भी हमारे साथ हैं। तो हम सारी चीज़ों को जानेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं या जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो वो कैसे इस कार्यशाला में अपना एडमिशन करवाएं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आइए हम जानते हैं सर से। ये बुंदेली आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी छतरपुर मध्य प्रदेश के द्वारा संचालित की गई है। इसमें विशेष सहयोग गांधी स्मारक निधि का है जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम म्यूज़िक सिखा रहे हैं, फोक म्यूज़िक सिखा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज सिखा रहे हैं, इम्प्रोवाइजेशन सिखा रहे हैं, फेस एक्सप्रेशन सिखा रहे हैं, और इन सब सारी चीज़ों को करके हम जो है एक नाटक बनाएंगे। तो अभी हमारी सारी क्लासेस चल रही हैं बच्चों के साथ में, रोज़ इम्प्रोवाइजेशन भी करते हैं, म्यूजिक क्लास भी करते हैं, कुछ कुछ हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो उसके दौरान हम ये बच्चों को भी छांट रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन कितना टैलेंटेड है, क्या कि किताब पढ़ पाएगा, कि डायलॉग याद कर पाएगा। तो अभी सारी चीज़ें चल रही हैं। अंत में मैम हम जो है एक नाटक करेंगे, उसका बाकायदा उसका बढ़िया से प्रदर्शन करेंगे जिसमें ऑडियंस को हम लोग इनवाइट करेंगे। हालांकि अभी हम लोगों ने डेट को फिक्स नहीं किया है कि हम किस डेट को करेंगे, तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। अभी मैम 14 बच्चे हैं मैम, ये 10 अगस्त से संचालित किया गया था और एक महीने की हम लोगों ने जो है वर्कशॉप की थी। जी मैम, मैं आपको सच बताऊं फ्री कॉस्ट तो नहीं थी, लेकिन इसकी हमने 1000 फीस रखी थी। तो बच्चे नहीं आए तो फिर मैंने सोचा कि कार्यशाला तो करना ही है, तो ये सारे बच्चे हमारे फ्री में हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैंने यहाँ जो गांधी स्मारक निधि में हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, वहाँ से बच्चे उठाएँ, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही अभी चल रहा है मेरा। इसमें कोई वो नहीं है कि बच्चों ने मुझे पे किया हो या ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मैम शहर के बच्चे मेरे पास नहीं है, ये सारे लोग जो हैं जो गांव से हॉस्टल में आए हैं वही बच्चे हैं जो यहाँ पे हॉस्टल में यहाँ पे खा रहे हैं, यहीं पे पढ़ रहे हैं, यहीं पे रह रहे हैं। तो बच्चे हैं सारे लोग ग्रामीण से ही हैं, छतरपुर से लोकल से कोई नहीं है। हमें 8 दिन हो गए हैं कार्यशाला में आते हुए, हमको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, जैसे कि सरगम हो गया, गीत हो गया और जिगजैक हो गया, ये सब सिखाते हैं हमारे साथ। 2 घंटे सिखाया जा रहा है कार्यशाला में, आकर बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं नहीं जाना पड़ता, सर यहीं पे सिखाने आते हैं। इतना अच्छा पैसों में भी नहीं सिखा पाते कोई जितना सर हमें फ्री में सिखा रहे हैं। हमको यहाँ पे आते हुए 8 दिन हो गए हैं और हम अभी 1 महीना तक और ही करने वाले हैं। आपने अभी हमने ये सीखा है सरगम, और भी सर को बढ़िया संगीत सिखा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को। 4 बजे से 6 बजे तक सीखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ से जो है ड्रामा मतलब लुप्त होता जा रहा है, अपने यहाँ की संस्कृति भी कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। तो मेरा तो यही है कि जितने लोग हमसे जुड़े हैं, जैसे मैं ड्रामा स्कूल से पढ़ा हूँ, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से, तो मेरा यही है कि यहाँ के बच्चे भी निकलें, यहाँ के बच्चे भी सीखें एक्टिंग क्या है। अब एक्टिंग को हम लोग इस नज़रिए से देखते हैं यहाँ पे कि टिकटॉक बना लिए, तो वो एक्टिंग नहीं है दरअसल में एक्टिंग यही है कि प्रॉपर रूप से आप सीखें और प्रॉपर रूप से आप करें, कैरेक्टराइजेशन करें, इम्प्रोवाइजेशन करें, फेस एक्सप्रेशन आप करें। तो मेरे हिसाब से है कि बच्चों को उससे लाभ मिले, जितना मैं दे पाऊँ उतना मेरी यही कोशिश है कि जितना मैंने सीखा है मैं अपनी शिक्षा को बच्चों तक बांट सकूँ या लोगों तक बांट सकूँ। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।